सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 41 की 60 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वैराट सारा गायसी नर नारी चित्त ल्याए, पर गावना सुन मोहम्मद का रहसी सबे अचभाए। समस्त जगत के नर नारी बड़ी तन्मता से ब्रह्मात्माओं की लीलाओं का गायन करेंगे, किंतु रसूल मोहम्मद ने इस लीला को जिस प्रकार गाया है उन रहस्यों का स्पष्टीकरण सुनकर सभी लोग चकित हो जाएंगे। मोहम्मद बाते बहुत है सो केती लिखू तुम, ये बाते तब होए सी जब मिल सी हम तुम। इस प्रकार रसूल मोहम्मद ने बहुत कुछ कहा है, उसके विषय में मैं तुम्हें कितना लिखूं, जब हम परस्पर मिलेंगे तब ये सारी बातें की जाएगी। मोहम्मद कहे में हुकम सब रूहे मुझ माहे, मैं चलिया अरस म्याराज को पर पहुंच सकिया ना है। रसूल मोहम्मद ने कहा, मैं खुदा के आदेश से आया हूँ तथा सभी आत्माएं मुझ में समाई हुई हैं। मैं जब परमात्मा के दर्शन के लिए परमधाम की ओर चल पड़ा तब जिब्रील के साथ होने से वहां तक पहुंच नहीं पाया। मैं ल्याया धनिया की इशारते जिन खातर, सो ताला अंजू खुलिया नहीं तो मैं पहुंचो क्यों कर। मैं जिन आत्माओं के लिए परब्रह्म परमात्मा का संकेत ले आया हूँ उसके गूढ़ रहस्य अभी तक खुले नहीं है, अतः मैं परमधाम कैसे पहुंच सकता। ताला द्वार कजाए का आए खोल सी जब, कयामत रोशन कर के मिल भैले चल सी सब। जब स्वयं परमात्मा प्रकट होकर न्याय के द्वार खोलेंगे और आत्म जागृति की वेला को स्पष्ट करेंगे, तब हम सब मिलकर एक साथ परमधाम में जागृत होंगे। बाई जिए घर चलते जाहिर कहे वचन, आड़ी खड़ी इंद्रावती हे इनके हाथ जागन। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी ने परमधाम चलते समय स्पष्ट रूप से कहा कि परमधाम के द्वार पर इंद्रावती खड़ी है, जागने लीला का संपूर्ण दायित्व उसी के हाथ सौंपा है। जूदी हमसे भगवान की रूह फिरी एक सोए, जब फिरे सुनसी हम को तब घरो आपसी रोए। हम ब्रह्म आत्माओं से भिन्न अक्षर ब्रह्म की आत्माएं यानी ईश्वर सृष्टि भी माया जन्य जगत में आई है। जब हम ब्रह्म आत्माएं परम धाम लौटेंगी तब हमारी वापसी की बात सुनकर वे भी पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट जाएगी। ये जो बिस्त हमो करी फिर एही भानसी दुख, बुद्ध असराफिल पहुँच ही तब ताएं भी देसी सुख। हम ब्रह्म आत्माओं के प्रताप से ही मुक्ति धामों का निर्माण हुआ है, और ब्रह्म आत्माएं ही सभी जीवों के दुख दूर करेगी। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि जब लौट कर अक्षरधाम पहुँच जाएगी तब अक्षर ब्रह्म को भी जागने लीला के सुख का अनुभव होगा। रूह अल्लाह ईसा मसी नूर नाम तारतम, मूल बुद्ध असराफिल ए हमारी मीने हम। ईसा रूह अल्लाह श्यामावतार श्री देवचंद्र जी
नूर नाम तारतम ज्ञान, अक्षर ब्रह्म की मूल बुद्धि, इसराफिल इत्यादि, ये सब हमारे हैं और हमारे अंदर हृदय में विराजमान है। काजी कजा ऐसी करी, रही ना किसी की हाम, हुआ मोहम्मद खिताब मेहंदी, मिलिया मिने इमाम। परमात्मा ने न्यायाधीश बनकर ऐसा न्याय किया कि अब किसी की कोई चाहना शेष न रही। अब रसूल मोहम्मद तथा महदी मोहम्मद सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज आखिरी इमाम में एक रूप हो जाने पर ये आखिरी इमाम इमाम मेहंदी कहलाए। जबराइल पिया हुक में, रूहो करत रखो पा आए, सोई सूरत है अपनी, पिया हुक में ले तो मिलाए। जिब्रिल फरिश्ता भी परमात्मा की आज्ञा से संसार में आकर ब्रह्म आत्माओं की रक्षा करता है। धाम धनी की आज्ञा से उसकी सुरता को भी ब्रह्म आत्मा ने स्वयं में समाविष्ट किया है। जुदे जुदे नामे गाव ही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में, धनी सबो का एक। संसार में मनुष्य भिन्न भिन्न नामों से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के गुण गाते हैं। उन्होंने अपनी वेशभूषा भी अलग अलग बनाई है। कोई भी परस्पर झगड़ा मत करो, परमात्मा सबका एक है। अब सुनो प्यारे साथ जी, पिया प्रगट होत सबन, सारो को सुख देय के, उड़ावत एह सुपन्न। हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब सुनो, सचराचर जगत के स्वामी परमात्मा प्रकट हो गए हैं। वे सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों का सुख प्रदान कर इस स्वप्नवत जगत को उड़ा देंगे। वैराट चौदे तबक करके नूर नजर, कायम दिए सुख मन बंचे, ब्रह्मांड सचराचर। इस प्रकार धामधनी ने न्यायाधीश के रूप में प्रकट होकर इस विराट ब्रह्मांड के 14 लोकों को अक्षर ब्रह्म की दृष्टि के समक्ष अखंड कर ब्रह्मांड के सचराचर प्राणी मात्र को मुक्ति स्थलों में मनोवांछित अखंड सुख प्रदान किए। प्रकरण 41 चौपाई 1664। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 41 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।